उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शनिवार को स्वस्थ समाज के लिए स्तनपान का संकल्प विषय पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन ने कहा कि एक अच्छे विषय को लेकर महिला एवं बाल कल्याण विभाग व स्वास्थ्य विभाग ने यह अभियान चलाया है। पूरे विश्व में एक सप्ताह तक स्तनपान दिवस आयोजित किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि माँ के स्तनपान से बच्चों को इतना लाभ होता है कि माँ को बच्चा पैदा होने के बाद एक घंटे के अंदर बच्चे को अवश्य दूध पिलाएं, उससे माँ और बच्चे दोनों को लाभ है। उन्होंने माँ बनने वाली महिलाओं से कहा कि वह इसका विशेष रूप से ध्यान दें कि बच्चे को 2 वर्ष तक कैसे रखना है। छोटी उम्र से ही अगर बच्चे को ध्यान देंगे तो उसका शारीरिक व मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी। अब सरकार महिला कर्मचारी अधिकारियों को भी 6 माह की छुट्टी वेतन सहित देती है, उसमें आप अपने बच्चों का अवश्य ध्यान रखें। राज्यपाल ने कहा कि जन्म के बाद माँ का दूध ही सबसे बड़ी दवाई है। बच्चों का विकास 8 वर्ष में सभी शारीरिक मानसिक सामाजिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में सभी विभागों का दायित्व मिला है कि वह लगकर कार्य करें, तभी लक्ष्य को प्राप्त करके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का पोस्टर बैनर के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में CMO डॉक्टर SK तिवारी से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैं सभी गणमान्य अतिथिगण एवं अधिकारीगण की स्वागत करती हूँ और अवगत कराना चाह रही हूँ कि इस DC में राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदया के साथ सभी सम्मानित अतिथिगण आमंत्रित विशेष मौजूद हैं। जिलों के DC के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, CMO, स्वास्थ्य अधिकारी एवं महिला एवं बाल कल्याण विकास अधिकारीगण प्रतिभाग कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ माननीय राज्यपाल महोदया को और सभी सम्मानित अतिथिगण को कि वो भी प्रेसिडेंट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत पूजा करा रहे हैं। घर में पूजा पर बैठा हूँ। कहाँ पे हो रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा। अतुलित जी बड़े में लगा दीजिए। स्वागत कर रहा ये हैं कि 40% लोगों को बच्चों को अभी भी माँ का दूध नहीं मिल रहा है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत के बीच में ऐसा हो रहा है। SGPGI को केवल विश्व स्तनपान सप्ताह के महत्व के संबंध में प्रस्तुतिकरण करें क्योंकि 120 कंट्रीज में इसको मनाया जाता है और इसका महत्व हमारे आदि युग से चला आ रहा है। आप सबने बना दाई की कहानी तो जरूर सुनी होगी, तो ये उस समय से चला आ रहा है। दिवस है उसका थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग सेव द प्लैनेट। ये क्यों है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। शुरुआत दूसरा 6 महीने तक केवल माँ के दूध को मिलाना, तीसरा 6 माह उपरांत स्तनपान के साथ जरूरी अनुपूरक आहार की शुरुआत और चौथा 2 वर्ष तक या उसके बाद तक भी स्तनपान जारी रखता। इसमें बस इतना बताना है कि कई लोगों को लगता है कि कुछ दिन बाद हम उब गए हैं या हमारा फिगर खराब हो जाएगा इसलिए हम बच्चों को दूध नहीं मिलाए तो ऊपर का दे दें, पर ये अनिवार्य है कि बच्चे का माँ का दूध उसको मिलता रहे और 9 साल तक मिलता रहे। धीरे धीरे हालांकि पोषक चीजें घटने लगती है पर ये अनिवार्य है कि बच्चा 2 साल तक माँ का दूध ले। एक दूध बनता है, अगर मैच्योर है तो मैच्योर ए जैसा दूध बनता है और अगर पोस्ट मैच्योर है तो उसकी जरूरत के हिसाब से माँ का दूध चेंज होता रहता है। तो माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि पहले 6 महीने में सिर्फ माँ के दूध पे बड़े होते हैं, उनकी IQ लेवल यानी कि बुद्धिमत्ता 6 से 8 पॉइंट तो अपनी माँ बड़ी प्यारी होती है। हमसे कहे तो हम बोले कि हम जो है यहाँ वाला और इसके लिए सर मैं देखूंगा सर वो गाड़ी भी लगाऊं जैसा क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं हमसे क्या लेना देना।
सर आईडीजन को झेलना सर मेरे बस की बात नहीं है। हंड्रेड में टीवी वाला उनको दे दीजिए सर, मैं स्पोर्ट्स कॉलेज हरियाणा वाला मैं खुद देखा है इस बारे में। ये जो यहाँ बहुत सारी ऐसी उम्मीद है कि अगर हम अपने बच्चे को मतलब इसके लिए से हंड्रेड बेड और यहाँ हंड्रेड बेड और खाली इनके बारे में आपके एक सस्पेंड हो गया उसका और दूसरा उन्होंने बताया कि महिला जो काम होती है कि मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ महिला के लिए भी क्या फायदा यही से होता। दोनों बातें आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखी। हम जो बड़ी महिलाएं थे जो जिसको पहली बार मतलब आएगा उनको नहीं हम जान लेते उनको नहीं सलाह सुझाते लेकिन जो मां बनने वाली और मां बनने वाली जो युवती रहते हमारे तो मेरे से साइन करा के दे दीजिए और मैं उनको बोल ही देता हूँ। और दूसरा गाड़ी नंबर पहले शिक्षा नीति में काफी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है हमारे बच्चों को पता है। एक विचार ये आया कि क्या हम ऐसे विषय को एड्रेस कर सकते हैं हमारी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापक एक चर्चा मैंने इनके सामने किया था कि हम पशुपालन करते हैं
देता है। पशु का जन्म होने के बाद तुरंत वो खड़े होता है और चलने का प्रयास करता है और तुरंत माँ का दूध पीता है, ये हमारी माँ को पता है। लेकिन वो देखने के बजाय भी उसको ये नहीं लगता है कि यदि पशुओं का दूध उनके बच्चों को तुरंत मिल जाता है और तुरंत वो चलने लगता है, खाने लगता है, तो हमारे बच्चों के बच्चों तो उनका बच्चा वही लगता है नदी में डालते इतना होता है अपनी आवाज नहीं लगता। उसके बाद उसका ब्रेन सब दुनिया के सब जो डॉक्टर अनिल ने दिया है।